नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट लगातार अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। जी हां, सचिन पायलट वो दिग्गज नेता हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही एक ऐसा नाम देश की राजनीति में बना लिया है, शायद ही कोई व्यक्ति बना पाए, क्योंकि सचिन पायलट लगातार यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लिए जिस आधार पर वो काम कर रहे हैं, ऐसे में सचिन पायलट के लिए आने वाला वक्त बेहतरीन हो सकता है। सचिन पायलट को हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। इस दौरान वह अपनी पहली यात्रा भी कर चुके हैं और सचिन पायलट इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत के वक्त कहा है कि देश में अब क्रांति की लहर फैल चुकी है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी ने जो यात्रा की थी, उसका रिस्पॉन्स हमें ये मिला कि हमारी जमीन काफी मजबूत हो गई है और दो राज्यों में हमने सत्ता में वापसी की थी। लेकिन सचिन पायलट ने अब कहा है कि 200 सीटों पर जीत का टारगेट है, 355 सीटें यहां पर तय की जाएंगी और ऐसे में कांग्रेस पार्टी आने वाले वक्त में मजबूती से चुनाव में वापसी करेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी का भविष्य किस कदर यहां से बढ़ने वाला है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सचिन पायलट जो कि लगातार कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में अपनी सहमति बनाते नजर आते हैं, अपने साथ जो है तमाम दावे करते नजर आते हैं, उसी के आधार पर सचिन पायलट हो सकता है कि अब आगामी वक्त में और भी खुखार तरीके से और सक्रिय राजनीति में नजर आए। फिलहाल आपको बता दें कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट जब विमान में सवार होकर मणिपुर पहुंचे थे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए, तो दोनों नेता अलग अलग सीटों पर बैठे दूर दूर नजर आए थे। इसके बाद कयास ये शुरू हो गए हैं कि इन दोनों नेताओं के बीच फिर से राजनीतिक रार शुरू हो चुकी है। लेकिन अब क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत की राजनीतिक रार खत्म हो चुकी है, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि सचिन पायलट लगातार कहते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो विश्वास रखने वाला हर नेता उनका अपना पार्टी का सदस्य है और उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की उनके दिल में कोई भावना नहीं है। अब देखना यही होगा कि आगे आने वाले वक्त में सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी का भविष्य किस कदर आगे बढ़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।